आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है और गुस्साए लोग अब चीन पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन गए। आप लोग तो करते नहीं हो, जो आपकी जिम्मेदारी उसको तो आप निभाते नहीं हो। लेकिन हिंसा के दौरान उसके साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। आज की वीडियो में बात इस हफ्ते गोदी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करेंगे। लखीमपुर की घटना इस समय सुर्खियों में है। लगभग हर राजनीतिक दल लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिल रहा है। राहुल गांधी ने लखीमपुर जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां मौजूद एक मीडिया एंकर ने सवाल किया तो राहुल गांधी ने पत्रकार को डांट लगा दी। देखिए ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है, देखिए हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता वो भाग के निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताओ तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। लखीमपुर की घटना पर मीडिया ने किसानों पर ही सवाल उठाने शुरू किए। जी न्यूज पर अपने शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने पत्रकार की मौत पर जानकारी दी और बताया कि उन्हें किसानों ने मारा। हिंसा में रमन कश्यप नाम के एक स्थानीय पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये पत्रकार वहां किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहा था, लेकिन हिंसा के दौरान उसके साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की और मौत के बाद उसका शव भी काफी देर तक लापता रहा। ये भी दावा है कि किसानों ने बीजेपी का समर्थक समझकर इस पत्रकार के साथ पहले मारपीट की। पर आप इस व्यक्ति को सुनिए, ये बता रहा है कि मौत गाड़ी के नीचे आने से हुई है। ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे, मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं और हम वहाँ देख के आए, पीएम तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बने हैं, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं। अब मृतक के भाई की बात भी सुनिए कि किस तरह से मीडिया तथ्यों को मैनिपुलेट कर रहा है। आज एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या क्या उस बारे में बताएंगे, क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे है जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी था भी विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि लाठी डंडों से मारा गया, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते। किस चैनल से थे वो? आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोस्टरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे, उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारपोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूं कि लाठी डंडों से हुआ है। सुधीर चौधरी अपने शो में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर तो कोई जानकारी नहीं देते, पर प्रधानमंत्री की तारीफ करने के मौके कभी नहीं छोड़ते। इस महीने की 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशासन में 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अपने प्रशासन की शैली की वजह से उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। उनकी योजनाओं में नई सोच थी और ये सोच इन नए बदलावों की नींव बनी। प्रधानमंत्री मोदी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए वो ये जानते हैं कि जमीन पर लोगों की, आम लोगों की समस्याएं क्या होती हैं और इन समस्याओं के सरल समाधान क्या हो सकते हैं। उनकी यही समझ
उनके प्रशासन की नीतियों में झलकती है। इसलिए आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 20 सालों में गुजरात के सीएम और भारत के पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सोच और नई नीतियों के जरिए आपके जीवन में क्या बदलाव किए। प्रधानमंत्री की तरफदारी करने के अलावा गोदी मीडिया पड़ोसी देशों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर उनके प्रधानमंत्री से सवाल करने लगते हैं। आप इंडिया टीवी की ये वीडियो देखें। देश में किसानों का मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन पड़ोसी देश में इमरान ने खुद ही विरोधियों को मुद्दा दे दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर है, आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है और गुस्साए लोग अब चीन पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन गए हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पूरा पाकिस्तान इमरान के खिलाफ क्यों है और वजीर आजम ने अपनी इकोनॉमी को इमरजेंसी वार्ड में कैसे पहुंचा दिया। गोदी मीडिया चैनल अक्सर टीवी पर फेक न्यूज चला देते हैं और फिर कुछ चैनल माफी मांग लेते हैं तो कुछ नहीं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने हमारे न्यूज चैनलों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। एक इंटरनेशनल मीडिया है, उसने मीडिया द्वारा अफगानिस्तान की वीडियो बताकर गेम के फुटेज चलाने पर काफी ट्रोल किया, खासकर रिपब्लिक टीवी को। So we had a fake Twitter account. Now this time, let's take a look at this, if we can get some audio on it. The spokesperson has been killed, as now, per report. This again is related to Pakistani support for the Taliban against resistance forces and all sorts of dramatic scenes in the sky, right? Airstrikes happening, and that was a Republic TV in India. Also, they were referencing Hasti TV, which is an Afghan it's an Afghan diaspora television channel based in the UK. They had also broadcast those same images, except, oh dear, those images actually come from a video game. And you're kidding me, a video game? Yes. So this is a news operation broadcasting that as a news story. That's what they were broadcasting. It's a video game called... Glory be. I know. Arma 3. Right, so that's a bit of a fail, and in any case, reverse image searching that went on as well. And आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं कमेंट करकर जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.